एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 11 अगस्त 2022 के द हिंदू में क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है, टू बूस्ट स्पेंडिंग सेंटर रिलीज 1.16 लाख करोड़ टू स्टेट। ठीक है, तो बूस्ट करने के लिए स्पेंडिंग को सेंटर ने रिलीज किया है 1.16 लाख करोड़ स्टेट्स को। ठीक है, और इसमें क्या बताया जा रहा है देखते हैं। सेंटर ने वेडनेसडे को ये रिलीज़ किया है। ठीक है, इसमें किस बारे में बात हो रही है देख लेते हैं। टू मंथली इंस्टॉलमेंट जो है, ठीक है, टैक्स डिवोल्यूशन को लेके है। इसमें हेल्प करेगा फ्रंट लोड स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग को, एबिलिटीज़ को फाइनेंशियल ईयर पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट टू टेक अ प्ली टू बैन कन्विक्ट फ्रॉम पोल्स फॉर लाइफ, ये पढ़ना है। इसमें है, इवन अ कॉन्स्टेबल लूज जॉब फॉर कन्विक्शन सेज पिटिशनर। इसमें है, सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सेड इट विल कंसीडर प्ली सीकिंग लाइफ टाइम बैन ऑन पीपल कन्विक्ट। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम बैन को लेकर के है, जो पीपल्स हैं कन्विक्ट ऑफ ऑफेंस, जिसमें कंटेस्टिंग इलेक्शन और जो बनते हैं MPs एंड MLAs, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उस चीज़ को लेके है, ये भी इसमें पढ़ना है। इसमें दूसरा देख लीजिए, जस्टिस ललित मोदी को अपॉइंट किया गया है 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उदय उमेश ललित, ठीक है, इनका नाम है उदय उमेश ललित, वो अपॉइंट हुए हैं 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, वेडनेसडे को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साइंड हिज वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो साइन किया गया है, जो इनका अपॉइंटमेंट है वो द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी न्यू प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे इसमें यह है, रिमेन्स ऑफ कैनन फाउंड इन केरला तली परम्बा। ठीक है, तली परम्बा, तो रिमेन्स जो है कैनन का वो मिला है। बिलीव टू बी पार्ट ऑफ आर्टली टू टीपू सुल्तान पीरियड, बताया जा रहा है ये टीपू सुल्तान के पीरियड का। ठीक है, इसमें है, कैनन बैरल प्रोबेबली यूज ड्यूरिंग टीपू सुल्तान टाइम। तो ये जो कैनन का जो बैरल है वो यूज़ किया जाता था टीपू सुल्तान के टाइम पे, जो कि फाउंड हुआ है प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कि चिरावक नियर तली परम्बा है केरला में, वहाँ पे पाया गया है ये। ठीक है, आयरन बैरल विच वॉज फाउंड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द अर्थ वॉज डिस्कवर्ड वाइल बुशेज वर बींग क्लियर्ड इन द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू वन राजन। तो जो बिलोंग करती थी वन राजन से, वो प्रॉपर्टी वो क्लियर कर दी गई है। ठीक है, तो ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि पढ़ना था। आगे देखते हैं, इसके आगे आ जाएंगे। इसमें है, अ न्यू ग्लोबल विजन फॉर G20। तो इसमें G20 का एजेंडा, थीम और फोकस एरिया को लेके डिस्कस हुआ है। 2023 के जो विजन है, लैक विजन, उस चीज़ को लेकर के, तो ये भी आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसके प्रस्पेक्टिव से। आगे टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में हम आ चुके हैं। इसमें है, द न्यू US बिल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या बात की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि जो US के सेनेट है, ठीक है, US सीनेट जो है अप्रूव किया है बिल, जिसका टाइटल है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट IRA 2022, जो एक सिंपल मेजॉरिटी 51-50 है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने कास्ट किया है टाई ब्रेकिंग वोट। ठीक है, उन्होंने टाई ब्रेकिंग वोट डाला क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ पे। ठीक है, और एड किया है और अप्रूव किया है सीनेट को इवनली डिवाइड से। इवन दो जो रिपब्लिकन है उन्होंने अपोज किया है इस बिल को, डेमोक्रेट पुश थ्रू आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द बजट रिकंसिलिएशन प्रोसेस के बाद। बिल जो है वो स्केल डाउन किया गया है वर्जन ऑफ प्रेसिडेंट बाइडन्स बिल्ड बैक बेटर एक्ट BBBA एक्ट। ठीक है, विच फेल्ड टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द सीनेट, और जिसको पहले फेल हो गया था अप्रूवल मिलने से। द IRA हैज़ स्पेशल फोकस ऑन क्लाइमेट, ठीक है, हेल्थ केयर और टैक्स प्रोविजन को लेकर के इनका मेन फोकस है। उसके बाद है, अप्रोर ओवर द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर बात चल रही है यहाँ पे। इसमें है, द यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, यूनियन पावर मिनिस्ट्री जो है उसने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022, ठीक है, लोकसभा में 8 अगस्त को। और ये जो बिल है वो अपोज किया गया है फार्मर ग्रुप्स के द्वारा। ठीक है, बिल इज अपोज बाई फार्मर ग्रुप्स एट दे फियर दैट बिल will lead to stop subsidizing and that distribution will thereafter be under the control of private companies. वो farmers की तरफ से, farmer group की तरफ से oppose किया गया क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी subsidies जो हैं वो stop कर दी जाएंगी, बंद कर दी जाएंगी, और power distribution जो है
वो प्राइवेट कंपनीज के अंडर में आ जाएंगी। अपोजिशन पार्टीज क्वेश्चंस द बिल ऑन फेडरलिस्ट प्रिंसिपल एज इलेक्ट्रिसिटी इज अ सब्जेक्ट विच कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट। और जो इलेक्ट्रिकसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकसिटी वो किसके अंडर में आता है, इलेक्ट्रिकसिटी आता है जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए तीन टाइप की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसपे दोनों डिसीजन ले सकती हैं, सेंटर एज वेल एज स्टेट, ठीक है। वन ऑफ द मेन चेंजेस इन द बिल इज अ प्रपोजल फॉर द सेंट्रल इंटरवेंशन इन द एरिया ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में डोमेन्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये भी पढ़नी है, आगे देखते हैं। इसके बाद है इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू साइन फिल्म ट्रीटी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने फिल्म ट्रीटी साइन की है। इसमें है यूएस कैबिनेट हैज़ अप्रूव द साइनिंग ऑफ ऑडियो विजुअल कॉरपोरेशन। तो इसमें है कि ऑडियो विजुअल जो को प्रोडक्शन ट्रीटी साइन की गई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, विच इज़ एम्ड एट फैसिलिटेटिंग ज्वाइंट प्रोडक्शन फिल्म बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ हुई है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइन किया गया है। और इसमें है गवर्नमेंट एक्सटेंड PMAY अर्बन स्कीम। तो यूनियन गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को अप्रूव किया है, ठीक है, क्या अप्रूव किया है, एक्सटेंशन प्रधानमंत्री आवास अर्बन, ठीक है, को लेके December 31, 2024 को, ठीक है। इसमें है हाउस सेंशन अंडर द स्कीम कैन बी कंप्लीटेड ऑफिशियल से। इसमें है इट वाज लॉन्च इन 2015, लॉन्च किया गया 2015 में। इसका एम है कंस्ट्रक्टिंग ओवर 112 करोड़ होम्स को लेकर के August 15, 2022 तक, ठीक है। और कैबिनेट ने अप्रूव किया एक्सटेंशन जो इस चीज़ का 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया है 2024 तक। दैट द हाउस ऑलरेडी सेंशंस आर कंप्लीटेड अ स्टेटमेंट सेड वाइल द इनिशियल डिमांड फॉर हाउसेज वॉज 11112 करोड़, यानी कि 112 करोड़ डिमांड रही, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान देनी थी, आगे आ जाएंगे। RBI टारगेट अनफेयर मैथड इन डिजिटल लेंडिंग विद न्यू नॉर्म्स। तो RBI ने टारगेट किया अनफेयर मैथड को लेके डिजिटल लेंडिंग में न्यू नॉर्म्स को लेके। लेंडिंग बिजनेस टू कैरी इट आउट ओनली बाय रेगुलेटेड एंटिटी से सेंट्रल बैंक, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है फर्स्ट सेट ऑफ गाइडलाइंस डिजिटल लेंडिंग के लिए, जो क्रैक करेगा इलीगल एक्टिविटीज़ को सर्टन प्लेयर्स के लिए, ठीक है। तो ये था, तो आज के द हिंदू के एनालिसिस के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस पसंद आया हो जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।